तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आप अपना कोई नया मोबाइल लेते हैं तो उसकी सबसे पहले की जो पांच सेटिंग बताने वाला हूँ आपको, वो अपने मोबाइल में कर लेनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। ये सेटिंग क्या है और कैसे उसको इनेबल करेंगे और क्या फायदा होगा, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरे देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरो और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप सबसे पहले मोबाइल लें तो आपको अपने मोबाइल में पांच ऐसी सेटिंग क्या करना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, आपको अपने मोबाइल को अपडेट करना चाहिए, अगर आपके मोबाइल में कोई अपडेट अवेलेबल है। क्योंकि होता क्या है, जब मोबाइल आप लेते हैं तो उसको कुछ टाइम, मतलब बहुत टाइम बाद आपके पास आता है, उससे पहले कुछ बग्स होंगे तो उसको रिलीज कर देते हैं, या बोल सकते हैं उसको सॉल्यूशन करने के लिए वो एक नया अपडेट रोल आउट करते हैं, जिससे जो भी बग्स होंगे वो खत्म हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल को अपडेट करना चाहिए। अगर आपके पास अपडेट अवेलेबल नहीं दिख रहा तो आपको अपने मोबाइल के यहाँ पर जाना है सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद आप नीचे जाएंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट पे, डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे जाएंगे, आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। अगर अपडेट अवेलेबल है तो आपको वहाँ पर उसको डाउनलोड कर लेना है। मतलब सबसे पहले आपको यही करना है, अपने मोबाइल को अपडेट करना है। उसके बाद दोस्तों, जो सेकंड फीचर है वो भी बहुत कमाल का है, जिसके लिए मैंने पहले भी बताया है, वो है फाइंड माय मोबाइल करके एक ऑप्शन होता है सैमसंग गैलेक्सी में। और अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपको वहाँ पर फाइंड माय डिवाइस करके ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसको इनेबल करके रखना चाहिए। इससे बहुत फ़ायदे होते हैं, कल को आपका मोबाइल कहीं भूल जाए या फिर कहीं मिस हो जाए तो आप उसे ट्रैक कर सकते हैं, तो आपको उसको इनेबल करना चाहिए। उसके लिए आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग पर। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ जाएंगे आप बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी पे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइंड माय मोबाइल का ऑप्शन, तो आपको उसको ऑन करके रखना है। इससे क्या होगा, आप इजीली उसको ट्रैक कर पाएंगे। तो ये सैमसंग की तरफ से, अगर आप गूगल की तरफ से फाइंड माय डिवाइस ऑन करना चाहते हैं तो आप यहाँ गूगल पे जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइंड माय डिवाइस वाला ऑप्शन, तो आपको दोनों को ऑन करके रखना चाहिए ताकि आप इजीली उसको सर्च कर सकें। सेकेंड ऑप्शन तो ये था। उसके बाद जो थर्ड फीचर बताने वाला हूँ, या बोल सकता हूँ थर्ड सेटिंग बताने वाला हूँ, वो है आजकल आप जब मोबाइल लेंगे तो आप डेफिनेटली वन यू आई 4.1 पे ही लेंगे, तो आपको अपने मोबाइल की यहाँ पर जाना है सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है डिवाइस केयर वाले ऑप्शन पे, बैटरी एंड डिवाइस केयर ऑप्शन पे। यहाँ जाने के बाद आपको जाना है बैटरी वाले ऑप्शन पे, एंड देन यहाँ जाना है आपको मोर बैटरी सेटिंग पे। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्रोटेक्ट बैटरी वाला, तो आपको इसको इनेबल कर लेना है। इससे आपकी बैटरी काफ़ी हद तक सेफ होगी। सेफ मतलब ऐसा नहीं कि मोबाइल की बैटरी बचेगी, मतलब कि मोबाइल की जो बैटरी की लाइफ इंक्रीज होगी। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल 85% से अबव चार्ज नहीं होगा, तो उससे उसकी मोबाइल की बैटरी की लाइफ आपकी बनी रहेगी, तो आपको इसको भी ऑन करके रखना है, ये भी बहुत ज़रूरी है, तो आपको भी इसको ऑन करके रखना है। उसके बाद जो फोर्थ बताने वाला हूँ वो है लॉक को लेके। सबसे पहले आपको अपना, जब अपना मोबाइल लेते हैं आपको अपने मोबाइल पे लॉक ज़रूर लगाना है, उसको नॉर्मल नहीं छोड़ना है। चाहे आपकी नॉर्मल लॉक लगाएं, पिन वाला, पासवर्ड वाला, या चाहे पैटर्न लगाएं, पर लॉक लगाएं। ऐसा नहीं कि बहुत इजी लगा लिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लगाना है आपको। आपको यहाँ पर अपना पिन, पैटर्न या पासवर्ड जो भी सेट करना है वो आपको यहाँ पर बना लेना है। अगर आप चाहते हैं दूसरा बनाना तो आप यहाँ से उसको ऐड कर लीजिएगा। मतलब कि ये है कि आपको अपने मोबाइल में लॉक भी लगाना है। लॉक लगाने के लिए आपको यहाँ सेटिंग में जाना है, यहाँ लगाना लॉक स्क्रीन पे, यहाँ जाएंगे स्क्रीन लॉक पे। स्क्रीन लॉक पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जो भी लगाना है, लाइक पैटर्न लगाना है तो आपको पैटर्न सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको लगाना है, या आपको यहाँ पर पासवर्ड लगाना है तो आप यहाँ पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं। मतलब कुछ भी हो, आपको अपने मोबाइल में लॉक ज़रूर लगाना है। क्योंकि होता क्या है, हम नया मोबाइल तो ले लेते हैं, अरे यार बीच में कोई डेटा इधर से उधर ना कर ले, क्योंकि नया मोबाइल तो बहुत लोग यूज़ करते हैं और वो डेटा देख सकते हैं, तो आपको हमेशा अपने मोबाइल को लॉक करके रखना चाहिए। उसके बाद जो फिफ्थ टिप बताने वाला हूँ वो तो बहुत कमाल की। जब हम नया मोबाइल लेते हैं तो हमारे पुराने मोबाइल का हमें डेटा भी चाहिए, तो वो दिक्कत वाला काम होता है। तो आपको एक ऑप्शन मिलता है सैमसंग मोबाइल में, आपको उसको इनेबल करके आप पूरा का पूरा अपना मोबाइल वहाँ से, मतलब जो सेम आपको पुराने मोबाइल में वो अपने नए मोबाइल में भी ला सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा, या नीचे आएंगे सेटिंग में, आपको यहाँ पर जाना है अकाउंट बैकअप में, और यहाँ पर मिलेगा आपको ब्रिंग डाटा फ्रॉम ओल्ड डिवाइस, आपको दिख रहा होगा ब्रिंग डाटा फ्रॉम ओल्ड डिवाइस, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा, आपको जैसे लाइक वाला जो आपको पुराना मोबाइल है तो आपको उस पर सेंड पे क्लिक करना है, और ये वाला नया मोबाइल है आपको यहाँ रिसीव पे क्लिक करना है। वो आपसे पूछेगा कौन सा है, गैलेक्सी है, आईफोन है या विंडो फोन है या जो भी हो, आपको किसी को जो भी आपका मोबाइल है आपको उस पर टिक करना है, और डायरेक्ट वायर है, केबल है, आपको डायरेक्ट प्रोसेस करके और पूरा का पूरा डाटा आपका एक ही बार में यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल है तो वहाँ पर आपको स्मार्ट स्विच डाउनलोड करना होगा, और स्मार्ट स्विच के थ्रू आप इजीली डेटा वहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं।
तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मतलब कि ये जो 5 मैंने टिप्स या 5 सेटिंग बताई हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और भी कुछ ऐसी सेटिंग्स होती है जो इंपॉर्टेंट्स हैं जो मैंने अभी बताई नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तो उसके बिना तो चल जाएगा, बट ये 5 सेटिंग के बिना आप अपने मोबाइल को यूज नहीं करना चाहिए। इनको 5 सेटिंग को तो आपको सबसे पहले इनेबल करना चाहिए। आपको लगता है कि इसमें से कुछ मैंने गलत बताया या फिर एड ऑन करना चाहिए था, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे जरूर बताएं। तो थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो में कुछ कमी तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। बट सबसे जरूरी चीज बताने वाला हूं दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ में नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाना ना भूले, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।